अस्सलामुअलैकुम, अहमद फ़ोटोग्राफी में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। बेसिकली अनबॉक्सिंग भी है और इसका रिव्यू भी है। यह है नाइकॉन का 55200 VR लेंस। ये देखें, नाइकॉन का 55200 VR लेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लेंस रिलीज़ हुआ था 2005 में, ये नाइकॉन ने इसको रिलीज़ कर दिया था। बट मार्केट में ये जो अवेलेबल हुआ था 2007 में, हमें ये अवेलेबल हो गया था, ठीक है। अब देखा जाए, इसके जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो नैन ग्रुप एलिमेंट्स है, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। अब ये टाइम वेस्ट की इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये यूजर गाइड मैनुअल निकलती है, ठीक है। उसके अलावा सिंपल जैसे आप इसको उठाएं, ठीक है, ये हमारे पास लेंस निकल आता है। देखें, ये हुड है, कंपनी प्रोवाइड करती है, और ये जो हुड है ये 52 mm की हुड है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें आगे से कुछ इस तरह की शेप है, और इसको मैं अगर पीछे से दिखाऊं तो ऑलमोस्ट कुछ इस तरह की शेप है। देन उसके बाद ये देखें, 55200 VR लेंस, ठीक है। इसकी जो जूम रेंज है वो 55 से 200 तक है, ठीक है, और जो उसका अपर्चर है वो वेरिएबल अपर्चर है। ये है अपर्चर इसका 4 to 5.6, ठीक है, और 2 मीन्स ये G2 सीरीज़ का लेंस है, ना कि G1 सीरीज़ का। इसकी जो फोकसिंग है वो G1 से फास्ट है। और इसके ऊपर एक और चीज़ मेंशन की गई है, और से देखें, ये ED लिखा हुआ है। ED ये जो है ये फुल फ्रेम का लेंस है, ना कि ये क्रॉप सेंसर का लेंस है। मीन अगर आप इसको फुल फ्रेम पे लगाएंगे, आपको जो फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा वो 55 से 200 तक मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको जो क्रॉप सेंसर पार्टी इसके ऊपर लगाएंगे, तो आपको जो फील्ड ऑफ व्यू, आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें। जब 55 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट ये बन जाएगा 85 mm to 90 mm से लेके, इस तरह आपको फील्ड ऑफ व्यू इसका मिलेगा। तो अभी ये जो लेंस है 50 mm पे ऑलमोस्ट हमें ये वाइड एंगल शॉट्स देता है, ठीक है। 55 mm पे ये कुछ ज़्यादा ब्लरी शॉट्स आपको नहीं देगा। लेकिन जो ही आप इसकी फोकल लेंथ को 100 से ऊपर आप इसको इंक्रीज करेंगे, तो उसके बाद ये जो पिक्चर्स है उसमें ब्लर देना स्टार्ट कर देगा। अब ये लेंस किन लोगों के लिए बना है? ये उन लोगों के लिए बना है जो लोग ट्रेवलर फोटोग्राफर हैं, क्योंकि इसका जो वेट है वो 255 ग्राम है। अगर हम इसको कंपेयर करें नाइकॉन के 70-300 लेंस से, वो थोड़ा हैवी है, जैसे जो ऑलमोस्ट 350 ग्राम या 400 ग्राम है। तो ट्रेवल फोटोग्राफी में ये एक बहुत ही ज़्यादा एक दारा अदा करता है, क्योंकि जब आप किसी जगह आउट कंट्री ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, एयरलाइन से, तो वहाँ पर जो वेट है वो ज़्यादा मैटर करता है। अभी इस लेंस के साथ मैं लाइव फोटोशूट भी जाता हूँ, कुछ सैंपल्स मैं इसके साथ अभी क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसके जो रिजल्ट है मैं आपको शो करवाता हूँ। चलें लाइव शूट पे चलते हैं।